नमस्कार, मैं रविश कुमार। काश मेरी तरह नेता भी छुट्टी पर चले जाते, मुद्दों को कुछ आराम मिलता। इस चुनाव में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा प्रैक्टिस मैच है और कौन सा फाइनल। पर मेरे हिसाब से खिलाड़ी वो होता है जो अपनी गेंद विरोधी खेमे के बीच ले जाता है और वहां से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ता है। आज बिहार की राजनीतिक जमीन पर ऐसा ही कुछ हुआ। हिंदुस्तान की राजनीति जो 21वीं सदी में ले जाने का आपको झांसा दे रही थी, वो अपने सिद्धांतों को छोड़ व्यवहारिक जमीन पर आ गई है, जहां कोई पिछले दरवाजे से जातिगत समीकरण बना रहा है तो कोई सामने से दल बदल करवा रहा है। राजनीति में समीकरण से बड़ा प्राधिकरण नहीं है और जाति से बड़ा कोई गठबंधन नहीं है, और गठबंधन में जातियां स्थायी नहीं होती हैं। मोदी और बीजेपी ने विरोधी गठबंधनों और छोटे दलों में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। वे ऐसा दांव चल चुके हैं जिससे बिहार में यूपीए भरभरा गई है। 2002 के दंगों के वक्त इस्तीफा देने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग आज दिन भर यही बयान देते रहे कि सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद दंगों के दाग नहीं रहे। ये नहीं कहा कि कांग्रेस लालू के साथ जाने के लिए अब भी तैयार है। पासवान नीतीश के साथ जा भी सकते थे मगर ले उड़े मोदी। अंतिम फैसला जो हो मगर उन्हें मोदी से कोई दिक्कत नहीं। लालू के जेल जाने के वक्त तक पासवान लालू यादव के परिवार के साथ फोटो में खड़े नजर आते रहे। उनकी पार्टी के 3 ही विधायक हैं लेकिन उनकी जाति का 6-7% वोट किसी के भी काम आ सकता है। कल ही बीजेपी ने बिहार में राष्ट्रीय समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ समझौता किया। कुशवाहा जाति 6% है बिहार में। यूपी में भी कुर्मी समाज के नेता सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। इस तरह से बीजेपी ने जाति से जीत का समीकरण बनाना शुरू कर दिया। बात बीजेपी की हो रही है इसीलिए, वरना जाति का समीकरण कौन नहीं बनाता और क्यों नहीं बनाएगा। जिस कागज पर मोदी को गठबंधन की राजनीति और बिहार यूपी में पीछे बताया जा रहा था, उसी कागज पर उन्होंने पुराने समीकरणों पर अपनी पेंसिल से काटपीट शुरू कर दी है। आज शाम पटना से एक ऐसी खबर आई कि दिल्ली में बैठे लालू सकपका गए, अब वे पार्टी को संभालने कल सुबह पटना जा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायकों में फूट पड़ गई है। इसकी घोषणा के लिए आज का ही दिन चुना गया। जब स्पीकर को अर्जी 14 तारीख को ही दे दी थी आरजेडी के विधायकों ने, तब भी क्या लालू को पता नहीं चला? आज ही उनके बागी विधायक कैमरे के सामने आए और आज ही स्पीकर ने अलग दल की मान्यता कैसे दे दी? ये और बात है कि 5 विधायक लौट भी आए हैं, लेकिन यह नीतीश की तरफ से ऐसी गुगली थी जिससे कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन मुश्किल में फंस गया। नीतीश ने भी जता दिया कि अगर मोदी पासवान को ले जा सकते हैं तो वे लालू के खेमे में ही डाका डाल सकते हैं। आरजेडी का कहना है कि गलत तरीके से दस्तखत पेश किए गए हैं, यह सब होता रहेगा, मगर जो हो चुका है वो बता रहा है कि क्या होने जा रहा है। हाल ही में जब मंत्री परवीन अमानुल्लाह इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में गई तो कहा गया कि मुसलमान नीतीश के साथ नहीं है, लेकिन क्या इस बगावत से नीतीश ने अपनी दावेदारी मजबूत की है, देखेंगे। पासवान कहते हैं कि मोदी पर दंगों के दाग नहीं रहे और आरजेडी के बागी विधायक कहते हैं कि बिहार में सेक्युलरिज्म का झंडा सिर्फ नीतीश के पास है। जाति के नाम पर तेजी से बनते समीकरणों के बाद सर्वे वालों को फिर से सर्वे कर लेना चाहिए। उधर बीजेपी नीतीश और कांग्रेस लालू को झटका देने के बाद एक और स्तर पर आक्रामक हो गई है, दलित वोट बैंक। आज ही वर्षों से दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन और बाद में जस्टिस पार्टी बनाकर राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे उदित राज बीजेपी में शामिल हो गए। पासवान के बाद उदित राज। हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले उदित राज का जमीन पर आधार भले ना दिखता हो मगर मीडिया की दुनिया में वे दलित चेहरा तो है ही। उदित राज को जितना जानता हूं उनकी राजनीति में एक ही निरंतरता रही है, वो है मायावती का विरोध। विरोधी तो पासवान भी रहे लेकिन मायावती को इनसे कभी चुनौती नहीं मिली। पासवान को घेरने के लिए पिछले चुनाव में नीतीश ने महादलित का कोलाज बनाया। मायावती ने हाल ही में संसद में और लखनऊ की रैली में कहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, जिसका जवाब मोदी ने गोरखपुर की रैली में दिया कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 79 आरक्षित सीटों में से 69 पर बीजेपी क्यों जीती। तो अब लड़ाई जाति के खेमे में घुसकर होने जा रही है। मोदी खुद को और उनकी पार्टी उनको पिछड़ा बताती रही ताकि पिछड़े गोलबंद हो। केरल में मोदी ने खुद के राजनीतिक अनुभव को दलितों के साथ हुए भेदभाव से जोड़ दिया। वे तेजी से बदल रहे हैं और तेजी से अपनी चाल चल रहे हैं। दंगों को लेकर धुर विरोधी रहे पासवान को भी अपने पाले में लेने में हिचकते नहीं और मायावती को चुनौती देने में भी संकोच नहीं करते। बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष संजय पासवान जगजीवन राम पर किताब लिखते हैं और कहते हैं कि उनके खून में हिंदुत्व बसा था। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम कांग्रेस सांसद मीरा कुमार के पिता हैं। संजय के बीजेपी दफ्तर में काशीराम की भी तस्वीर है। भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं उन्हें और 15 तारीख को उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं, एक और किताब लिखने जा रहे हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। संजय पासवान बीजेपी नेता हमारे साथ ही हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, आप जेएनयू से हैं। पीएल पुनिया साहब हैं, सांसद कांग्रेस पार्टी के। उदित राज हैं, दलित नेता। प्रोफेसर ए के वर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप के जरिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास तरीके से नज़र रखते हैं।
आज तो आपका शुभ दिन है उदित राज जी, आप एक नई पार्टी में गए हैं तो शुरुआत तो अच्छे सवालों के साथ करना चाहिए। बीजेपी के प्रभाव विचारों से प्रभावित होकर गए हैं या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के असर में चले गए हैं? देखिए, बीजेपी में शामिल होने का जो प्रमुख आधार है हमारे लिए दलित भागीदारी का है। हाँ। और दलित भागीदारी का प्रश्न इस समय सबसे बड़ा अहम है दलितों के लिए, क्योंकि जिस तरह से नई आर्थिक नीति के कारण निजीकरण भूमंडलीकरण आया, सरकारी नौकरियों में लगातार कटौती होती गई। अब ये दलित जाए तो जाए का, निजी क्षेत्र इतना बड़ा हो गया है, टेलीकॉम सेक्टर है, निर्माण का सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर आ गया है, और कारपोरेट जगत है, ये मीडिया है। आप ये बताइए कि अगर आरक्षण न होता तो मुझे लगता है कि दलित आज वहीं खड़े रहते। मैंने पूछा कि आप बीजेपी के विचारों से प्रभावित होकर गए, मुझे लगता है कि मैंने कुछ मुश्किल सवाल पूछ दिया। मैं सरल सवाल पूछता हूं, आप बीजेपी के दे रहा, आपका जवाब विचारों से आ ही रहा था। आप नहीं, आपको नहीं, बीजेपी निजीकरण के विरोध में नहीं है आज, नहीं, हमारी भागीदारी सबसे पहले बड़ी बात। अच्छा, हमारी भागीदारी सबसे बड़ी है। और किसी का विचार बहुत अच्छा भी हो, अगर हमें भागीदारी नहीं देता, सशक्तिकरण नहीं होता देखता, तो ऐसे विचार का क्या मतलब? बहुजन समाज पार्टी तो कहती है कि बाबा साहब की विचारधारा का, उससे कौन सा भागीदारी सुनिश्चित हुई है? जब बीएसपी का वो उभार होता है उसी समय नई आर्थिक नीति आती है, तो न नई आर्थिक नीति के खिलाफ में बीएसपी खड़ी हो पाती है, न सुनिश्चित करा पाती है भागीदारी निजी क्षेत्र में। ऐसे बीएसपी का क्या लेना, ऐसे विचारधारा का क्या लेना? और एक बात दूसरा, हमारे जीवन के संघर्ष का अनुभव, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब हमने संघर्ष किया था, भारत के संविधान में 3 संशोधन हुआ था, आरक्षण बचा हुआ था। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल चली है, निजी क्षेत्र में आरक्षण को देने का वादा किया, क्या हुआ? ये पुनिया जी हैं, बड़े भाई हैं, ये बताएंगे कि आरक्षण कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक लंबित है, पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक लंबित है, क्या किया? कोई काम 10 साल में कांग्रेस कर पाई है? मेरा तो सवाल सिंपल था, क्या आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी निजीकरण को लेकर अपना कोई स्टैंड बदल रही है, इसलिए आप वहां गए हैं? मैंने तो पूछा था कि नरेंद्र निजीकरण को लेकर के है ना, उसके लिए गए हैं, निजीकरण को लेकर बीजेपी स्टैंड बदल रही। मेरी बात भागीदारी की है। हाँ। हम उसके बहुत आगे जाना चाहते हैं, मीडिया में भागीदारी, हर क्षेत्र में आगे। वो बीजेपी दिलाएगी आपको, वो बीजेपी कॉर्पोरेट में दिलाएगी? दिलाएगी, हाँ बिल्कुल दिलाएगी, इसी के आधार पर तो हम गए। और आप जब बीजेपी में आई गए हैं तो नरेंद्र मोदी के बारे में बात क्यों नहीं करें? क्योंकि ये चुनाव तो उनका चुनाव है, बीजेपी का चुनाव है वो, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर लीजिए आप, है ना। मैं तो वही जानना चाह रहा था कि आपने कुछ साल पहले जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो दुनिया में ये बड़ी खबर बनी थी, अब आप बीजेपी में आ गए हैं। हमारे संजय भाई यहाँ हैं जो कहते हैं कि दलित जो है वो हिंदू है, हिंदू ही रहेगा। आप किताब लिखते हैं, इसमें तो कोई घोषित बात है इसमें, तो इससे इत्तफाक रखते हैं। मैंने ये, आपने राजनीतिक परिवर्तन किया है या अब आप फिर से धर्म परिवर्तन भी करने वाले हैं? ये सवाल नहीं पूछे। नहीं देखिए, ये तो सवाल, इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये सवाल नहीं, धर्म व्यक्तिगत चीज है। हाँ। राजनीति अलग चीज है। अब इसमें बीजेपी में अगर ईसाई और मुसलमान है। हाँ। उनके सामने भी खड़ा कर दिया जाए कि बीजेपी में आए हैं तो आप धर्म परिवर्तन? नहीं, मैं पूछ रहा था क्योंकि आप हिंदुत्व के आलोचक हैं, सवाल नहीं पैदा होता। आप, मैं आलोचक रहे, बुद्धिस्ट हूँ। हाँ हाँ, मैं आलोचक रहा हूँ, ये बात सही बात है। हाँ। कि मैं आलोचक रहा हूँ, लेकिन जब बीजेपी और कांग्रेस की कथनी और करनी को मैं को देखा, अतीत में झांक के देखा, तो हमें लगा कि बीजेपी जो है कांग्रेस से वही बेहतर है। और जब वार्तालाप हमने इनसे किया, भागीदारी के ऊपर ये सहमत हुए, तो हम इनके साथ में हैं। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को हमने चुना है, ठीक है, अच्छी बात के लिए चुना है, अच्छी बात है, उस पार्टी में हर कोई जा रहा है। बाबा साहब ने मार्ग, वो कोई बात, बाबा साहब ने हमें सिखाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिखाया है। हाँ। जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे जिंदगी कांग्रेस का आलोचना किया था, कांग्रेस को जलता हुआ घर बताया था, उसी कांग्रेस के माध्यम से वो संविधान सभा में गए, उसी कांग्रेस ने उनको ड्राफ्टिंग का चेयरमैन बनाया, उसी कांग्रेस ने मंत्री बनाया। अंबेडकर आ गए, निजीकरण आ गया, हमारे धर्म आपका निजी मसला है, वो अच्छी बात है, मसीहा जा सकते हैं। ठीक है, तो दलित उत्थान के लिए बीजेपी में मैं गया हूँ।